नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास डिश टीवी का कनेक्शन है और उसके सिग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो तो आप घर बैठे किस तरह से अपने डिश के सिग्नल फाइंड करके इसे सेट कर सकते हो, यह हम आज के वीडियो में आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सैटेलाइट डायरेक्टर नाम का ऐप मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की लोकेशन का जो ऑप्शन है उसे यहाँ पे ऑन करके लेना है। तो मैं अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन करके लेता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा, तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यस का एक ऑप्शन दिखेगा ग्रीन कलर में, तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगर इसे पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करते जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको अगर आपके डिश टीवी के सिग्नल अगर सेट करने हैं तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1 होता है सैटेलाइट सेट करना, स्टेप नंबर 2 होता है एलिवेशन, और स्टेप नंबर 3 होता है एजीमुथ सेट करना। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यानी कि सैटेलाइट सेट करते हैं। तो इसके लिए हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे ऊपर जो स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे हम क्लिक करके लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो हमें यहाँ पे सैटेलाइट सेट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सैटेलाइट्स के ऊपर क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ पे सैटेलाइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स की लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। तो हमें यहाँ पे डिश टीवी का सेटिंग करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 95° ईस्ट या SES-8 नाम का सैटेलाइट यहाँ पे सर्च करके इसे सेट करके लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 95° ईस्ट यानी कि SES-8 नाम का सैटेलाइट यहाँ पे मिल गया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे सेट करता हूँ। उसके बाद मुझे फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये हमारा सैटेलाइट का सेटिंग पूरा हो गया है। उसके बाद मुझे फिर से स्क्रीन्स में जाना है और मुझे यहाँ पे डायरेक्टर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो 2 नंबर का सेटिंग है वो है एलिवेशन। तो आप यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एलिवेशन का ऑप्शन दिख रहा है जो है 59.4°। तो दोस्तों ये एलिवेशन हमें किस तरह से सेट करना है ये भी मैं अभी आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हमें डिश के पिछले हिस्से में जो मेजरमेंट मिलते हैं वहाँ पे जाना है और इन नट बोल्ट को यहाँ पे ढीला करके एग्जैक्टली 59 पे यहाँ पे सेट करके फिर से इन नट बोल्ट को यहाँ पे टाइट करके लेना है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजीमुथ सेट करना। एजीमुथ मतलब हमारे डिश की डायरेक्शन सेट करना, जो कि है 129.9°। तो ये हमें कंपास के जरिए सेट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करना है ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो इसके लिए मुझे अपने मोबाइल को पूरी तरह से अपने हाथ में हॉरिजॉन्टल रख के इस तरह से अपने डिश के ऊपर एग्जैक्टली खड़े होना है, और यहाँ पे हमें जो डॉट मिल रहा है इस डॉट को इस सर्कल में हमें यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अपने मोबाइल को राइट में रोटेट करना पड़ेगा। ऊपर हमें एक टर्न का नोटिफिकेशन भी मिल रहा है, तो एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट को इस सर्कल में लाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे सर्कल के बीचों बीच आ गए। तो यही हमारे डिश की सही डायरेक्शन होने वाली है, और जो कि हमारा वर्किंग कंडीशन में जो डिश है उसकी डायरेक्शन इस ऐप के डायरेक्शन के साथ मैच हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि ये हमें सही डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने एजीमुथ यानी कि डिश की डायरेक्शन का सेटिंग यहाँ पर अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपके सारे चैनल्स यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके कुछ चैनल्स यहाँ पे नहीं आ रहे, यानी कि आपकी नीचे वाली फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, तो आपको यहाँ पे LNB का थोड़ा सा सेटिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर स्क्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पर आपको -46.9 ये एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एंगल माइनस है तो आप अपने LNB को यहाँ पर राइट में रोटेट कीजिए, ये अगर प्लस है तो आप अपने LNB को लेफ्ट में रोटेट कीजिए। तो हमारा एंगल है -46.9, तो यहाँ पे हमें अपने LNB को राइट में 46° तक यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रोटेट करते जाना है बहुत ही धीरे धीरे से, और जहाँ पे आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मिलती है वहाँ पे इसे सेट करके लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर ये सारे सेटिंग्स करते हो तो आपके डिश के सिग्नल्स यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगे।